मॉर्निंग फ्रेंड, योर लेट चैप्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड प्रोजेक्ट डे इज गोइंग ऑन. You have read the such passage of the lesson. Look, the power of his eyes was considerably enhanced by their position. द पावर ऑफ हिज आईज, उसकी जो नेत्र शक्ति थी वाज कंसिडरेबली, मैंने पर्याप्त रूप से, कंसिडरेबली मैंने कंप्लीटली, कंसिडरेबली कंप्लीटली पूरी तरह कंसीडरेबली मैंने पूरी तरह से उसकी आंखें की चमक, उसके पोजीशन को और ऊंचा कर रही थी, बढ़ा रही थी, इनहेंस पूरी तरह बढ़ाना, पूरी तरह बढ़ा रही थी. Placed as they were between the painted forehead, जो रंगे हुए पेंट जैसे forehead माने हाल, मस्तक, मस्तक के बीच में स्थित थी. And the dark whiskers which streamed down his cheeks or dark whiskers, जो कोविड भस्म लगा रखा था उसके साथ सिंदूर की जो स्ट्रीम की धारा थी वह उसके गाल पर बह रही थी. इवन अ हाफ इट्स आई कुड स्पार्कल इन सच अ सिटी, हाफ विट हाफ विट हाफ विट मींस फुल मोर. एक मूर्ख भी उसकी आंख को देखकर यह समझ सकता है कि वह कितना तेजस्वी है. मीनिंग वन बियॉन्ड मे बी आल्सो अंडरस्टैंड ऑफ हिज शाइनिंग एंड ग्लोरी ऑफ हिज नॉलेज लुकिंग टू हिज पर्सनैलिटी. The crown, the effect, he put a saffron color turban around his head. उसके चारों तरफ, सर के अराउंड, हेड के अराउंड में, सर के चारों तरफ saffron color की, केसरिया color की पगड़ी, crown की तरह, ताज की तरह बधी हुई थी, लग रही थी. The color scheme never failed. जो कलर उसने चूज कर रखा था
जिस रंग को वह सेलेक्ट कर रखता था, चूज मींस सेलेक्ट, चूज मींस सेलेक्ट, चुनना, उसका रंगों का चयन कभी असफल होने वाला नहीं था। कि मींस his chosen color was the matter of attraction and duty of that his plan will be never incomplete. This color scheme never fell. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or the area of stalks. People are attracted. लोग उसके ऊपर ऐसे आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां दहेलिया पुष्प, खिले हुए दहेलिया पुष्प के चारों ओर मंडराती हैं, भिनभिनाती हैं, कॉस्मोस करती हैं। लुकिंग टू हिज पर्सनालिटी एंड ड्रेस, ऑल क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स वर गैदर्ड अराउंड टू हिम द मीनिंग ऑफ अ ट्रांसिट दैट। कहने का मतलब यह है कि उसके शोभनीय वस्त्रों को देखकर, स्वरूप को देखकर, ज्योतिषी का रूप देखकर, वेशभूषा देखकर जो आने जाने वाले लोग हुआ करते थे वो आकर्षित होकर उसके चारों तरफ मधुमक्खियों की तरह ऐसे बढ़ाने लगते थे जैसे कि मधुमक्खियां दहेलिया पुष्प के ऊपर मंडराती हैं। He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park. It is the place of his profession. अब लिखा कर रहा है कि जो उसने स्थान चयन कर रखा था अपने व्यवसाय करने के लिए वह भी अपने आप में वंडरफुल था। उसका वर्णन देखिए, he sat under the boughs, under the bough, bough means branches. वह वृक्ष की डालियों के नीचे बैठता था जो दूर तक स्प्रेडिंग फैली हुई थी। वो किस पेड़ की डालियां थी? टैमरिंड ट्री, टैमरिंड। Thank you.
टहनियाँ वो डालें जो सड़क पे फैली हुई थी, वह इमली की हुआ करती थी। वह प्लांट पास रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो पास, जो रास्ता, जो रूट, जो वे टाउन हॉल पार्क को जाता है, उसी रास्ते पर ये जो है फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड माने फैली हुई थी, उसी को घेर रखी थी रास्ते को। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, यह कई रूपों में रिमार्केबल जगह था, देखने योग्य जगह था, विशेष जगह था। अ सर्चिंग क्राउड, आवाज करती हुई भीड़, सर्चिंग क्राउड, मेकिंग डीन मेक ए नॉइज द क्राउड, वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, इस सड़क के ऊपर अप डाउन करती थी, ऊपर नीचे करती रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेके शाम तक। अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस पास रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स वे, अ वैरायटी इन ट्रेड्स, विभिन्न प्रकार के व्यापार एंड ऑक्यूपेशंस और व्यवसाय वन रिप्रेजेंटेड का वहां प्रतिनिधित्व करता था। रिप्रेजेंटेटेड माने वह स्थान प्रतिनिधित्व करता था, और इट्स वे कई रूपों में, मेडिसिन सेलर्स, दवा के विक्रेता भी वहां बैठते थे। सेलर्स ऑफ स्टोलेन हार्डवेयर एंड जंक, स्टोलेन जो हार्डवेयर जंक है, लोहा है, उसको चुराने वाले, जिसको कबाड़ी कह सकते हैं, उसको बेचने वाले, चुराकर लोहा बेचने वाले, मैजिशियन, मैजिशियन जादूगर, एंड एबल ऑल एंड सीनर ऑफ चीप क्लॉथ, ऑक्सीनर, ए यू सी पी आई ओ एन डबल ई आर, ऑक्सीनर, हू सेल्स द क्लॉथ, हू sells the cloth, कपड़ा बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति भी वहीं बैठ के अपना कपड़ा बेचता और व्यापार करता। On that tamarind tree and its branches, different type of peoples are doing their business and trades, occupation and business. Medicine seller, magician, auctioneer, all were doing their profession for their livelihood. अपनी जीविका के लिए सारे लोग अपना व्यवसाय किया करते थे। That's all, that was the attractive place. That was the place of business and occupation meaning. Who
who created enough bean all day to attract the whole town. और जो कपड़ा बेचता था, जो दवा बेचते थे, सारे लोग जो जो से डीन बने आए, नॉइज मींस होता है एलो आई एल नॉइज, नॉइज मींस शोर, दिन रात चिल्लाता रहता था, रहते थे। नेक्स्ट टू हिम एंड वोसिफेरियसनेस केम अ वेंडोर ऑफ फ्रेंड, ग्राउंड नट, नेक्स्ट टू हिम ठीक उसके सामने, इन वायर्स क्यूरियसनेस केम अ विंडो, एक विक्रेता की जोर जोर से आवाज आती थी, आ फ्रेंड, जो मित्र, उस मित्र की, विक्रेता के मित्र की जो सॉरी एम अ वेंडोर आ फ्रेंड ग्राउंड नट, जो कपड़ा बेचने वाले का मित्र था, वह मूंगफली बेचता था। वो गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम इट डे, और वह अपने सामान का रोज एक नया नाम, शौकीन नाम रख के बेचता, कॉलिंग इट बॉम्बे का आइसक्रीम है। अपनी मूंगफली को वह कभी कहता कि यह बॉम्बे की आइसक्रीम है, तो कभी कहता वन डे एंड वन मिनट दहेलिया आलमंड, दिल्ली का आलमंड, दिल्ली का मुनक्का है, अखरोट है। एंड ऑन थर्ड डे राजा डेलिकेसी, राजा की स्वादिष्ट मिठाई है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हमेशा कभी कभी सो ऑन सो फोर्थ में कभी आगे कभी पीछे, इन्हीं शब्दों को वह रिपीट करता रहता था। And people flocked to him, flocked him together, flocked, F-L-O-C-K-E-D, flocked means to gather, one place, one एक स्थान पर इकट्ठा होना, एक स्थान पर इकट्ठा होना, बहुत सारे लोग उसके आकर्षक संबोधन को सुनकर अपने सामान की, गैर की तारीफ सुनकर, उसकी तुलना सुनकर, उसके अच्छे कंपैरिजन को सुनकर उसके पास आके इकट्ठा हो जाते हैं। नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड अराउंड हिम लुकिंग टू हिज कंपैरिजन ऑफ हिज वेयर
along with good swimming. A considerable portion of the crowd delight before the astrologer too. Considerable माने पर्याप्त, enough. यहाँ पे considerable का अर्थ होगा enough. Considerable माने enough. Enough. पर्याप्त. पर्याप्त मात्रा में वहां भीड़ भी लगी थी. पर्याप्त मात्रा में वहां भीड़ लगी थी कहां? जहां पर ज्योतिषी बैठा हुआ करता था. ज्योतिषी के सामने इन फ्रंट ऑफ एस्ट्रोलॉजर सफिशियंट क्राउड वाज आल्सो डिलाइट देयर. The astrologer transacted his business by the light of a flare which cracked and smoked above the groundnut heap nearby. जो astrologer है transacted माने शुरू करता है, start कर जारी रखता है. Transacted to keep on to kept on मतलब जारी रखना. जारी रखना लेकर कहता है कि एस्ट्रोलॉजर दिन में तो प्रकाश चारों तरफ रहता है. इन द डे एवरीवेयर लाइट इज स्प्रेड बट इन द इवनिंग इन द नाइट टिल 9 o'clock नियर अप्रॉक्स ही ट्रांसैक्टेड इन हिज बिजनेस. वह अपने कार्य को जारी रखता था. क्रैक्ट मैंने हल्का सा चीखने वाली आवाज जो कोको ग्राउंडनट के घेर के ऊपर रखी हुई चिमनी के प्रकाश को जलाने के लिए हुआ करती थी उसी के प्रकाश में वह अपना व्यवसाय जारी रखता था. He transacted his business in the flare, in the lamp of the light of the ground nut pile. The enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. Can I ask the enchantment of the place? जो इस स्थान का आधा भाग था जो इस स्थान का इंचेंटमेंटेड माने अद्भुत स्थान था ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइट. यहाँ पर नगर पालिका के प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी. वास्तव में यह अंधेरा रहता था.
there was no municipal light on the street where these businessmen are doing their occupation. The place was lit up by sharp lights. दुकानों के प्रकाश से ही वह स्थान प्रकाशित होता था. The radiance of the light of the number of situated shops of the different community comes to their and make lights.